हुजूर ने पता है किस तरतीब से अहले बैत की अकीदत बयान की, कभी आप वो तरतीब समझे तो मज़ा आ जाए। हुजूर फरमाने लगे रब से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और मेरी औलाद से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। आप कभी हदीस की तरतीब देखे ना तो सारे जायके एक ही हदीस पाक में इंसान को मुकम्मल मिलते हैं। रब से मोहब्बत करो नेमतें देता है, मुझसे प्यार करो मैं उसका रसूल बन के आया हूँ, और मेरे हसन से मेरे हुसैन से मेरी बेटियों से मेरी शहजादियों से औलादों से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। अपने दिलों में उनके लिए जज्बात हों। देखें एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत फ़ातिमा तज़्ज़हरा से फरमाया रात मैं तुम्हारे घर में आके क़याम करूँगा। तो हज़रत फ़ातिमा तज़्ज़हरा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो बड़े नसीब जाग गए, रात हुजूर घर तशरीफ़ ले गए। हमारे यहाँ जो आदमी थोड़ा सा भी किसी ओहदे पर चला जाता है वो बच्चों को टाइम नहीं देता, ना वो पसंद करता है, और हमारे देहातों में तो वैसे ही लोग समझते थे कि ये तोहीन है। यानी अपना बच्चा भी मोटरसाइकिल पे बिठा के अगर लेके गए ना उसे दुकान से कोई चीज़ खिलाने तो लोग क्या कहेंगे, तुझे बच्चे खिलाने पड़ते हैं। ये अजीबोगरीब हमने अपनी ज़िंदगी में माहौल बनाया है। तो हुजूर ने फरमाया फ़ातिमा मैं रात आपके घर में क़याम करूँगा। सैयदा ने कहा या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह ये तो कमाल हो गई। हुजूर ने रात वहाँ क़याम किया, इमाम हसन ने दूध मांगा। अच्छा हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा हैं, कहते मैं चुप करके सो रहा था, मैंने साइड पे चादर ओढ़ी और मैं आराम कर रहा था, इमाम हसन ने दूध मांगा। सैयदा फ़ातिमा उठने लगी तो फरमाया नहीं फ़ातिमा आज मेरे साथ सोए हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊँगा। हुजूर उठे बकरी का दूध धोया फिर उसे बर्तन में डाला। अभी हुजूर इमाम हसन को देने लगे थे कि इमाम हुसैन ने भी मांग लिया, तो हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पहले हसन को मिलेगा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह लगता है हसन से ज़्यादा प्यार है। फरमाया नहीं फ़ातिमा प्यारे दोनों ही बड़े हैं पर मांगा पहले हसन ने है ना, मांगा पहले हसन ने। फिर हुजूर फरमाने लगे हज़रत अली फरमाते हैं, कहते हैं हुजूर फरमाने लगे फ़ातिमा तू भी मैं भी हसन भी हुसैन भी और ये जो सो रहा है। कहते मैंने तो चादर ओढ़ी हुई थी ना। फरमाया फ़ातिमा मैं भी तू भी हसनैन भी और ये जो सो रहे हैं। फरमाया सारे मिल के जन्नत में दाखिल होंगे।